हाउ टू पतलो जैसे कार्टून्स वाले वीडियो कैसे बनाएंगे हम लोग, कहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे, कैसे उस कार्टून वाले वीडियोस को हम लोग अपने चैनल पर डालेंगे ताकि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े। बहुत टेंशन वाली बात होती है जब आपने वीडियोस को बना लिया, कंप्लीट एडिट कर लिया बहुत मेहनत के साथ। आप भी एडिट करते होंगे, मैं भी बहुत मेहनत के साथ मैं एडिट करता हूँ, बट अगर उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाता है और हमारे चैनल का जो क्रेडिट रहता है वो भी खराब हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटू पतलू जैसे कार्टून्स वाले वीडियोस को आप कैसे आप बना सकते हैं, आप उसको खुद बनाएंगे, खुद उसको एडिट करेंगे, पूरा चैनल को किस तरीके से मोनेटाइज करवाएंगे। मैं आपको पूरा तरीका इसमें बताऊंगा कि आपको वैसे वीडियोस आपको कहां से मिलेंगे, कहां से आपको वहां से डाउनलोड करना है, कैसे उसको यूज करना है। मोटू पतलू जो कार्टून्स वीडियो रहते हैं, मोटू पतलू कार्टून्स वीडियोस जितने भी आते हैं वो बहुत हाई फाई वीडियोस रहते हैं। अगर उसको गलत तरीके से अगर आप यूज करोगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियोस ये पूरा कंप्लीट कोडिंग से बना रहता है, जो कि इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है कि हम लोग वहां से मोटू पतलू का वीडियोस बना सके। बट आज के मैं इस वीडियो में आपको मोटू पतलू वाले वीडियोस को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, अपलोड करने का तरीका बताऊंगा, एडिट करने का तरीका बताऊंगा, किस तरीके का वीडियोस हम लोग को डाउनलोड करना है, कैसे उसको एडिट करना है ताकि हमें कॉपीराइट क्लेम ना पड़े। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं अजीत, निमोटेक एक्सपर्ट। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरीके का आपको कंटेंट हमेशा मिलते रहता है। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से उस तरीके का वीडियो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube पे चले जाना है। YouTube पे जाने के बाद सिंपल सा टाइप करना है अपने को, ग्रीन हो जाओ। मैं जब इसको टाइप करता हूँ, जब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद अपने को सबसे पहला एक चैनल दिखता है अपने को, ग्रीन हो जाओ। देखो ये एक चैनल है जहाँ पे आपको मोटू पतलू से रिलेटेड आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चैनल मेरा अपना खुद का है, मैंने ये चैनल खुद बनाया है, जहाँ पे हर एक वीडियोस जो देखने को मिलते हैं आपको वो ग्रीन स्क्रीन के ही वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा वीडियोस है जो कि सारा ग्रीन स्क्रीन है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी वीडियोस पे कोई सा भी कॉपीराइट क्लेम नहीं पड़ा है। नहीं पड़ने का रीज़न ये है कि ये ग्रीन स्क्रीन के सारे वीडियोस मैंने खुद से बनाए हैं। ग्रीन अपने किसी भी वीडियोस को आप ग्रीन स्क्रीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि अपने हर एक वीडियोस को कैसे आप ग्रीन स्क्रीन में बना सकते हो, चाहे किसी भी आपका बैकग्राउंड किसी से रिलेटेड हो। मगर आप अपने चैनल पे, अपने वीडियोस पे आप चाहो तो इस पर ग्रीन स्क्रीन कन्वर्ट कर सकते हो। ये जस्ट वीडियोस मैंने अभी डाले हैं, अभी मैंने जस्ट 6 घंटे पहले या 49 मिनट्स पहले डाले हैं, जिसपे कि देखिए व्यूज़ आने चालू हो गए हैं। इस पर 6 घंटे पहले मैंने डाले, इस पर 3 व्यूज़ आ रहा है। तो इस तरीके से व्यूज़ आते रहते हैं, डोंट वरी। तो इस तरीके का वीडियोज़ हम लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। तो यहाँ पे आप YouTube पे जाना, वहाँ पे टाइप करना ग्रीन हो जाओ। यहाँ से अगर वीडियोस आप डाउनलोड करोगे तो कोई सा भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ेगा। एंड अगर मान लो कि आपको यहाँ पे सभी सिंटेंस वीडियोस नहीं मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको और भी वीडियोस चाहिए, अगर आपको यहाँ पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो आप सिंपल सा YouTube पे जा कर के टाइप करना मोटू पतलू ग्रीन स्क्रीन, मोटू पतलू ग्रीन स्क्रीन वीडियोज। यहाँ पे मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद मैं सर्च जब करूँगा तो यहाँ पे आपके कई ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे कि जहाँ पे कई चैनल्स वालों ने ये वीडियोस डाल करके रखे हैं। यहाँ पे आप यहाँ से सिंपल सा कहीं से भी वीडियोस, ग्रीन स्क्रीन के वीडियोस उठा करके आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको ये पता करना है कि इस पर कोई सा भी कॉपीराइट क्लेम नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक कर दीजिए। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ग्रीन स्क्रीन ही नहीं, अगर आप चाहते हो अपना खुद का म्यूज़िक चैनल बनाना, तो बिल्कुल क्रिएटिव कॉमन्स वाले जितने भी वीडियोज़ रहते हैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना। या अगर मान लो कि अगर आप चाहते हो किसी सॉन्ग को डालना, तो वहाँ पे किसी सॉन्ग का नाम डाल दो, उसके बाद फिर क्रिएटिव कॉमन्स पे आ जाओ, उसके बाद सिंपल सा अगर आप अप्लाई करोगे
तो यहाँ पे आपको जितने भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो कभी मैंने क्रिएटिव कॉमन डाला तो यहाँ पे एक थर्ड नंबर पे ग्रीन हो जाओ वाले वीडियो जो कि मेरा खुद का अपलोड किया हुआ वो वीडियो यहाँ पे आ रहा है। जस्ट उसके नीचे भी अगर मैं आ जाऊँ तो ग्रीन हो जाओ, सबसे ऊपर में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी अपने को ग्रीन वर्ल्ड करके आ रहा है, नीचे में ग्रीन कार्टून करके आ रहा है, थर्ड नंबर में मेरा आ रहा है, फोर्थ नंबर पे मेरा आ रहा है। देखो इस तरीके से हम लोग सर्च करेंगे और यहाँ पे जितने भी वीडियोस अपने को देखने को मिलते हैं वो हर एक चैनल वाले, हर एक यूट्यूब चैनल वाले अपने कंटेंट को क्रिएटिव कॉमन्स के स्टेज पे जाकर, क्रिएटिव कॉमन्स के स्टेज पे जाकर के उन्होंने अपना चैनल को दे रखा है ताकि आप अपने फ्री कॉपीराइट वीडियोस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो किसी तरीके का वीडियोस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, आप डाउनलोड सिंपल सा कर करके यूज़ कर सकते हो। अब बात यह होती है कि हमें इसको एडिट कैसे करना है ताकि हमारा वीडियोस भी देखने में अच्छा लगे, बच्चे भी देखें और लगभग सारे लोग देखते ही हैं इस तरीके के वीडियोस, तो वो कैसे हम लोग एडिट करेंगे और कैसे एडिट करेंगे ताकि हमें कॉपीराइट का क्लेम हमें ना पड़े, तो फटाफट मैं आपको वो सिखा देता हूँ, वो बता देता हूँ। तो यहाँ तक आप, तो जैसा भी आपका ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है, आपको फिल्मोरा ऐप्स हो गया, फिर कैन मास्टर हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं जहाँ से आप इस तरीके का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन को आप चेंज कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हम लोग सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया कि ग्रीन स्क्रीन के वीडियो को यहाँ पे मैंने डाल लिया, बट हमें पहले ये काम नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसका, इस वीडियो का बैकग्राउंड कोई चूज़ कर लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हम लोग अभी पहले हटा देंगे। तो इसका हम लोग पहले बैकग्राउंड को चूज़ कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको पहले कोई सा बैकग्राउंड एक डाउनलोड कर लेना है जिसके लिए आप चाहते हो कि आपका, आप अपने ग्रीन स्क्रीन को उस वीडियो में कन्वर्ट कर पाना, तो आप उसको पहले यूज़ करके पहले डाउनलोड आप पहले कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपको इंपोर्ट कर देना है। जब आप ये इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट करने के बाद फिर अब आपको क्या करना है, इस पर लेयर देना है। अब लेयर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे PIP ये दिया हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, ग्रीन स्क्रीन के वीडियोज़ को मैं अपने उठाऊँगा, तो ये रहा हमारा ग्रीन स्क्रीन का वीडियो। इसको हम लोग कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग वो देखते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से सेव कर दिया, एक अलाइनमेंट कर दिया इस पर। ये करने के बाद इस वीडियो पे हमें जो भी हमें ग्रीन स्क्रीन का जो हमारा वीडियो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में ही अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट कटआउट पर क्लिक करना है। स्मार्ट कटआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ का जो भी आपका बैकग्राउंड है, या तो फिर आप इससे क्रोमा की चला लो, या फिर इसको अगर आप यूज़ करोगे रिमूव बैकग्राउंड तो उससे भी आपका हट जाता है। मगर हम लोग इसको यूज़ नहीं करके अभी ये आपको पूरा अनविजिबल दिख गया होगा। मगर यहाँ पे मैं टिकआउट पे क्लिक करूँगा तो हमारा मोटू पतलू जो है वो आ जाएगा। मगर हम लोग इसको यूज़ ना करके हम लोग डायरेक्ट क्रोमा की यूज़ करेंगे। क्रोमा को यूज़ करने के बाद इस कर्सर को यहाँ पर उठा के लेके जाना है। यहाँ से इसके स्ट्रेंथ को हमें सेट कर लेना है कि हमारा जो भी ग्रीन स्क्रीन है वो प्रॉपर तरीके से वो साफ़ हो जाए। होने के बाद फिर यहाँ पे शैडो वाले पे क्लिक करके थोड़ा सा इसका शैडो को हमें ख़त्म कर लेना है। देखिए अगर मैं इसका शैडो को अगर ख़त्म कम कर रहा हूँ तो आप पीछे में देख सकते हैं कि इसका शैडो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये जब हो जाता है, ये होने के बाद अब मैं एक बार आपको इसको पहले प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी आपने देखा कि इस तरीके का वॉइस इसमें आ रहा है, मगर आपके लिए अच्छा, आपके चैनल के लिए अच्छा यही रहेगा कि आप इसके जो ओरिजिनल वॉइस हैं इसको आप बंद कर दो। ये यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, अब इस पर जो भी वॉइस था वो वॉइस अब आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए आपको इसमें कोई सा भी वॉइस आपको सुनने को नहीं मिल रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अपना खुद का वॉइस को ऐड करना है। अब अगर आप बोलेंगे कि मोटू पत्तू वाले वीडियोस उनकी आवाज़ के लिए ही चलता है, तो अगर आपको प्रॉपर इस तरीके का वीडियोस अगर बनाना है तो उसके लिए आपको मोटू पत्तू के वीडियोस को परचेस करना पड़ता है। वो वीडियो अगर आप परचेस करेंगे, अगर आप उसका लाइसेंस ले लेंगे तो फिर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अपलोड करना है आपको तो इस तरीके का तरीका आपको आज़माना होगा। अदरवाइज़ अगर
कार्टून्स वाले वीडियोस किसी भी तरीके से किसी वॉइस में ये चलते हैं, आप इसको वहाँ से इसको एडिट कर सकते हो, अपने वॉइस को ऐड कर सकते हो। वॉइस ऐड कैसे करना है, किसी तरीके का वॉइस अगर आपको ऐड करना हो तो आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। यहाँ म्यूज़िक में चले गए, म्यूज़िक में जाने के बाद यहाँ रिकॉर्डिंग बटन पाएंगे, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो हम लोग अपने वॉइस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का कार्टून्स वाले जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप मान लो चाहते हैं कि डैट इसी आवाज़ में ही रहे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी डैट अपलोड कर सकते हो। बस यही करना है कि आपको बैकग्राउंड को जरूर चेंज कर देना है और इसके नीचे में एक बस छोटा सा एक म्यूज़िक को डाल देना है। अगर इस तरीके से भी डालोगे तो आपको कॉपीराइट का कोई से भी क्लेम नहीं पड़ेगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि जो मोटू पतलू उसके वीडियोज़ बनाने का जो मैं आपको तरीका बताया तो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो पहले आप बना करके अपलोड कर लेना, अपलोड करने के बाद जब इस पर कॉपीराइट का कोई सा भी क्लेम ना पड़े तब आ करके वापस मेरे चैनल पे आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट देना और इसको शेयर करना ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।